मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने एक बार फिर टिफिन रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें आज हम लोग ओपन सैंडविच बनाने वाले हैं। इसे ब्रेड पिज्जा भी कहा जाता है और बहुत इजीली बन जाता है, बच्चों को पसंद भी होता है। तो आइए देखते हैं किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ओपन चीज सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए, ये ब्रेड लिए है मैंने, इसके एजेस काट लिए हैं, थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च है, नमक है, रेड चिली पाउडर है, थोड़ा धनिया, इसमें मैंने बेल पेपर्स काटे हैं, येलो रेड और ग्रीन कलर के, कैप्सिकम है और ये प्याज है, ये चीज क्यूब्स है और ये बटर है। तो सबसे पहले हमें ऐसे बटर लगाने हैं स्लाइस में। मैंने ऐसे दो पीस ब्रेड में ऐसे लगा लिया है बटर। अभी मैं इसमें थोड़ा सा बेल पेपर्स दूंगी। ओपन सैंडविच का मतलब होता है हम लोग दूसरे ब्रेड के साथ इसको नहीं ढकेंगे। जैसे जैसे सैंडविच होते हैं दो पीस ब्रेड होते हैं, बीच में फिलिंग होते हैं, ओपन सैंडविच में एक ही ब्रेड के ऊपर ही टॉपिंग्स होते हैं, इसे ब्रेड पिज्जा भी कहते हैं। ये धनिया दे दिया मैंने, थोड़ा सा प्याज, भी इसके ऊपर मैं चीज ग्रेट करके दे दूंगी। चीज अच्छे से देना चाहिए, यही मेल्ट हो जाएगा पूरा अच्छे से, तब टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसे टोस्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब ढक्कन लगा देंगे टोस्टर के तो ये जो ऊपर लग सकता है, तो बेटर है ये वाला तवा में ही बनाएं। तो मैंने यहाँ पे ये तवा गरम करके, पैन गरम करके थोड़ा सा बटर दे दिया है। अभी इसे आराम से उठा के इसमें दे देंगे हम लोग। धीमी आंच रखिएगा और इसको ढक देंगे। इसे तब तक ढकना है, हमें देखते रहना होगा ये चीज जब तक मेल्ट नहीं हो जाता है। तो देखिए ये चीज मेल्ट हो गया है हम लोग का, तो ओपन सैंडविच हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे निकाल दूंगी। तो ये देखिए हम लोग का ओपन सैंडविच बन गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ये काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐसे ही छिड़क देने से होगा, क्योंकि बटर में और चीज में दोनों में नमक होता ही है, और थोड़ा रेड चिली पाउडर। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा, तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू।